एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा का एक पुत्र भी था जिसका नाम राजवीर था। पिताश्री, आज मैं अपने मित्र के साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ही घर वापस आ जाना। हाँ पिताजी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अरे मित्र, मैं तो चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है। पता नहीं आज मुझे पानी पीने को मिलेगा भी या नहीं। मित्र, तुम परेशान मत हो, धैर्य रखो, पानी अवश्य मिलेगा। उधर देखो मित्र, वहाँ पर एक नदी है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। मित्र, हमने पानी तो पी लिया है, चलो अब थोड़ा सा यहीं पर आराम कर लेते हैं। ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वे दोनों पेड़ की छांव में सो जाते हैं। अरे ये शोर कैसा, चलो चलकर देखते हैं। अरे इतनी सुंदर राजकुमारी, आखिर यह है कौन? इसके जैसी सुंदर राजकुमारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे सहेली, उधर तो देखो, वह राजकुमार आपको कैसे ताक रहा है। अरे हाँ, यह राजकुमार तो मुझे ही देख रहा है, परंतु यह राजकुमार तो कितना सुंदर है। चलो सुनंदा, अब हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार बहुत ही दुखी हो जाता है। क्या हुआ मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है, बताओ मुझे। फिर राजकुमार अपने मित्र को सारी बात बताता है। मित्र, अब मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे उस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मित्र, तुम परेशान मत हो, राजकुमारी ने तो आपको सब कुछ बता दिया है। वो कैसे मित्र, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मित्र, राजकुमारी ने कमल पुष्प को अपने बालों से निकालकर अपने कानों से लगाया, यानी राजकुमारी कनक राज में रहती हैं। फिर उन्होंने उस पुष्प को दांतों से कुतरा, इसका मतलब उनके पिता का नाम दंतराज है। इसके बाद उन्होंने फूल को पैरों से मसला, इसका मतलब उनका नाम पद्मावती है। और आखिर में उन्होंने पुष्प को अपने हृदय से लगा लिया, इसका मतलब कि अब आप उनके हृदय में बस चुके हो। अपने मित्र की ये सारी बातें सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हो जाता है। मित्र, मुझे कनकराज जाना है, मुझे कनकराज ले चलो। मित्र, मुझे लगता है कि यही कनकराज है, चलो हम इन बूढ़ी माँ से पूछ लेते हैं। हे बूढ़ी माँ, हम दोनों लोग व्यापारी हैं और हम बहुत दूर से आ रहे हैं। माता जी, हम यह जानना चाहते हैं कि यह राज्य कौन सा है। बेटा, ये कनक राज्य है। माता जी, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, तो क्या हम लोग
आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। आपका जब तक मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। माता जी, आप क्या काम करती हैं और आपके घर में कौन कौन रहता है, और माँ जी आप अपना गुजर बसर कैसे करती हैं? बेटा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है, और मैं राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती की दासी थी। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं घर पर ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। माँ जी, आप यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखिए, और जब आप कल राजकुमारी से मिलने के लिए जाना तो उससे कहना कि जो राजकुमार तुम्हें नदी के किनारे मिला था वह राजकुमार तुम्हारे राज्य में आ चुका है। राजकुमारी जी, जिस राजकुमार से आप नदी के किनारे मिली थी वह राजकुमार अब आपके राज्य में आ चुका है। बूढ़ी महिला की यह बात सुनते ही राजकुमारी ने चंदन में अपना हाथ डुबोकर बूढ़ी महिला के गाल पर मार दिया। निकल जाओ यहाँ से, यह सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ी महिला ने यह सारी बात राजकुमार से बताई तो राजकुमार बहुत ही दुखी हो जाता है। मित्र, तुम दुखी मत हो, राजकुमारी ने चंदन की छाप लगाकर तुम्हें यह संदेश दिया है कि अभी चांदनी रात है, अभी वह तुमसे नहीं मिल सकती। अंधेरी रात आने का इंतजार करो, वह तुमसे अवश्य मिलेगी। माता जी, अब अंधेरी रातें आ चुकी हैं, आप मेरा संदेश राजकुमारी को दे देना। राजकुमारी जी, राजकुमार ने कहा है कि अब अंधेरी रातें आ चुकी हैं, वह अब आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी ने फिर से अपनी तीन उंगलियों को लाल रंग में डुबोकर बूढ़ी महिला के गाल पर मार देती है। चले जाओ यहाँ से, और याद रहे तुम इस बार महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाओगी। बूढ़ी औरत ने फिर से सारी बात राजकुमार को सुनाई तो राजकुमार फिर से बहुत दुखी हो जाता है। अरे मित्र, तुम फिर से दुखी हो गए। मित्र, अब तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारे मिलन के दिन आ गए हैं। वो कैसे मित्र, मैं कुछ समझा नहीं, बताओ मुझे। मित्र, राजकुमारी ने लाल रंग से तीन उंगलियों के निशान भेजे हैं, इसका मतलब अभी वह बीमार हैं और आपसे वह तीन दिन बाद मिलेंगी। और बूढ़ी माँ को उन्होंने पीछे के रास्ते से इसलिए भेजा है क्योंकि वह तुम्हें पीछे के रास्ते से बुलाना चाहती हैं। राजकुमार ये सारी बातें सुनते ही खुशी से झूम उठता है। इस प्रकार तीन दिन भी बीत जाते हैं। मित्र, तीन दिन बीत चुके हैं और आज चौथा दिन है, इसलिए मैं राजकुमारी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है मित्र, तुम अपना ध्यान रखना। राजकुमारी तो पहले से ही राजकुमार का इंतजार कर रही थी। अरे आप आ गए, आपने कितनी प्रतीक्षा करवाई मुझसे। लेकिन राजकुमारी जी, हमने तो आपको ना जाने कितने दिन पहले ही अपने आने का संदेश भिजवाया था, लेकिन आपने स्वीकार ही नहीं किया। फिर राजकुमार और राजकुमारी रात भर ढेर सारी बातें करते हैं। इसी प्रकार राजकुमार को कई दिन गुजर जाते हैं। राजकुमारी जी, आज मुझे मेरे मित्र की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं आज अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अरे आपका यहाँ कोई मित्र भी है, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। राजकुमारी जी, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। आज हम दोनों मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र की वजह से, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है,
चले जाओ, लेकिन मेरी तरफ से अपने मित्र को यह खाना खिला देना। मेरे मित्र, देखो मैं आ गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मित्र, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। और हाँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ये खाना भेजा है, तुम इसे खा लो। अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुम ये खाना लेकर क्यों आ गए? क्यों मित्र, तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना भेजा है, इसमें गलत क्या है? मित्र, भाभी यह चाहती है कि जब तक मैं जीवित हूँ वह तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती है, इसलिए वह मुझे इस खाने में जहर देकर मारना चाहती है। तुम देखना चाहोगी मित्र, तो ये देखो। हाँ मित्र, तुम तो सच कह रहे थे, ये राजकुमारी तो विश्वास के लायक ही नहीं है, ऐसी राजकुमारी मुझे नहीं चाहिए। चलो मित्र, हम अपने घर वापस चलते हैं। नहीं मित्र, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज जब तुम राजकुमारी से मिलने के लिए जाना तो चुपके से राजकुमारी के पैर पर एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र के कहे अनुसार ही कार्य किया। उसने राजकुमारी के पैर पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया और राजकुमारी के सारे गहने लेकर आ गया। मित्र, अब तुम इन गहनों को लेकर राजमहल के सोनार को बेचने के लिए जाओ। अगर वह सोनार तुमसे पूछता है कि ये तुम्हें गहने कहाँ से मिले, तो तुम कह देना कि ये गहने मेरे गुरुदेव ने मुझे बेचने के लिए दिए हैं। अरे यह गहने तो राजकुमारी के हैं, तो तुम ही ने राजकुमारी के गहने चुराए हैं। चलो राजा के पास। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के गहने चुराओ? सिपाहियों, इसे फांसी लगा दी जाए। महाराज, ये गहने मैंने नहीं चुराए हैं, ये गहने तो मुझे मेरे गुरुदेव ने बेचने के लिए दिए थे। अच्छा, तो तुम्हारा कोई गुरु भी है? सैनिकों, इसके गुरु को मेरे सामने लाया जाए। अरे ढोंगी, तूने मेरी बेटी के गहने चोरी क्यों किए? नहीं महाराज, मैंने यह गहने तो एक डाकिनी से छीने थे। मैं शमशान में एक मंत्र की सिद्धि कर रहा था, तभी एक डाकिनी वहां पर आ गई और जब तक वह मुझ पर वार करती, उससे पहले मैंने उसे मंत्रबद्ध करके उसके सारे गहने उतार लिए और मैंने उसके दाहिने पैर पर एक त्रिशूल का निशान भी बना दिया। राजा साधु की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। महारानी जी, आप जाओ और हमारी बेटी के पैर पर देखिए, क्या किसी त्रिशूल का निशान बना हुआ है? हाँ महाराज, यह साधु ठीक कह रहा है, हमारी बेटी के पैर पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और राजदंड के अनुसार अपनी पुत्री को राज्य निकाला दे देता है और उन दोनों मित्रों को छोड़ देता है। दोनों मित्र राजकुमारी के इंतजार में जंगल में बैठ जाते हैं और राजकुमारी जैसे ही जंगल में पहुंचती है तो राजकुमार उसे अपने साथ लेकर अपने राज्य में वापस चला जाता है।